अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज आपको एक यूनिक और डिफरेंट वीडियो मिलेगा, क्योंकि आज मेरा हस्बैंड बना रहा है कढ़ी। मेरे दिमाग की नहीं बना रहा कढ़ी, जो इनकी वो जो है मशहूर रेसिपी है जो मुझे बनाना नहीं आती। सिकंदर ने कहा है कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि इनके घर में ये बनाई जाती है, मैंने कभी नहीं देखी नहीं खाई है। तो आज सिकंदर बनाएगा कढ़ी और हम सीखेंगे, और आप भी सीखना। और आप जब बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी फीडबैक दीजिएगा कि सिकंदर की बनाई हुई कढ़ी आपको कैसी लगी। ये हम हैदराबाद आए हैं, अब इतना मगर नहीं पका, चलो रेसिपी की तरफ चलो यार। शुरू हो जाती, तेरे को तो बस मौका चाहिए बातें करने का। अगर मैं सीख गई कढ़ी तो मैं भी बनाना सिखाऊंगी आपको कढ़ी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जी अब आ गए अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी आ गए रेसिपी की तरफ। तो सिकंदर ये क्या है, आपने दूध डाल रहे हो? हाँ, ये दूध नहीं है, लस्सी है। अच्छा लस्सी, ये देखें व्यूअर्स, ये लस्सी डाल रहा है पहले। और ये हमारी देसी लस्सी है, पेवर लस्सी। पेवर नहीं, प्योर। प्योर इतनी इंग्लिश, पेवर। लोग रो रहे होंगे आपकी इंग्लिश सुन। क्यों? इसकी अब देखो ये बनती कैसे है। देखो ये लस्सी है, डाल दी इसके अंदर। ये थोड़ी लस्सी क्यों बचा रहे? थोड़े काम में आएगी, वो तुझे बताऊंगा। अच्छा ये क्या डाल रहे हैं? थोड़ा पानी। ये लस्सी आधा किलो थी? ये आधा किलो से कम थी। ये आधा किलो इनकी लस्सी थी, और इसमें पानी ऐड कर रहे हैं आप? हाँ। इसमें ये पानी भी ऐड कर रहे हैं। अभी तो करना, अरे बेसन का आ गया, बेसन रखा था मैंने। अच्छा इसमें बेसन भी जाता है? और नहीं तो क्या, क्या कैसे बनती है कढ़ी पता नहीं है तुम्हें? अच्छा इलायची बंदी तीन? हाँ दो चम्मच। तीन? तीन चम्मच उठाएंगे। पकोड़े बना रहे हो? अरे नहीं यार, एक तो पका थी बहुत है हमें। अच्छा व्यूअर्स, जो इसने लस्सी बचा के रखी थी, अभी ये इनकी पेस्ट बनाएगा। तीन चम्मच इसने बेसन ऐड किए, आई थिंक आई एम राइट। हाँ आपको कौन कह सकता है कि आप गलत हो रॉन्ग हो, हमारी श्यामत आई है। सही से कड़ी बनाना, वरना हम सरकारी अस्पताल आज बंद है। तो कोई मसला थोड़ी है, जानवरों की अस्पताल खुली हुई है। ओके तुझे वहाँ पे भेजेंगे हम। मुझे क्यों, पहले आप? नहीं पहले तो मैं तुझे खिलाऊंगा ना, तजुर्बा तेरे ऊपर करूंगा, कोई रिएक्शन तो नहीं कर रही ना। सिकंदर ये ऐसे पेस्ट बना रहा है जैसे हम बालों को मेहंदी लगाते हैं ना। अच्छा उसको चमचा घुमाओ। इसको, इसको। हमारी रेसिपी बने तब तक सिकंदर अपने घर में एंजॉय कराए। और ये देखें बच्चे भी खेल रहे हैं, हमारे चुटके भी खेल रहे हैं, चुटकू चुटका। और ये देखें ये सिकंदर का भतीजा असद का कजिन, ये मेरे देवर का कुक्कड़ है, कुक्कड़ है। ये कुकड़िया इनकी बहुत है। और इन तुझो नालो शाय पापा तो तुझो पापा जो नालो शाय तुझे पापा जो नालो शाय ये भाग्या, ये अलीशबा, ये असन, ये दोनों भाई बहन है। ये देखें छोटी छोटी मुर्गियाँ। हाँ सलीम, आपका बेटा तो अपना नाम ही नहीं बता रहा। उसका नाम एहसन है। हाँ एहसन है, एहसन है तो वो बताए ना। एहसन नाम बताओ अपना बेटा, बताओ अपने घर में। तुमको अपने घर में मजा आ रहा है?
इसको बहुत अपने घर में मजा आता है और मुझे भी इनके घर में बहुत मजा आता है। ये ले इधर आ। क्या दे रहे हो? ले ना तूने बुलाना मुझे दे, मैं टॉफी ले लूं। ये ले 5 रुपए जाके ले ले चीज। वाओ ले जाके दुआ कर। अभी जो ना हमारा टाइम आ गया है कि हमने जो ये मैश की थी बेसन और लस्सी, इसको हम अभी डालेंगे पतीले में। अच्छा, ये पेस्ट आपने इसमें डाली जी। और हमने ये जो है ना इमली भिगो के रखी है थोड़ी गर्म पानी में, इसको खट्टा करने के लिए। अच्छा। ये थोड़ी गर्म पानी किया था, अभी ये थोड़ी हो जाए नरम इमली, फिर इसको हम बनाएंगे इसके अंदर। अभी आप क्या इसमें डाल रहे हैं? अभी इसमें थोड़ा हम हल्का सा जर्दे का रंग डालेंगे। अच्छा। हाँ, उसको थोड़ा सा जो है ना तकरीबन ये का कलर निकल के आ जाए, फूड कलर। ये इसमें ऐड कर रहे हैं, फूड कलर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, येलो वाला फूड कलर इसने ऐड किया है। आप येलो वाला कीजिएगा, रेड वाला नहीं। ये आप जो है ना इसमें डालेंगे हम नमक हसबे जायका। कितना नमक डालेंगे? हसबे जायका। ठीक है, ये क्या कहा आपने फिर दोबारा से कहें? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी सिकंदर को देखे माशाल्लाह कहे। पता है क्या, ये अभी आजकल मेरी क्रीम में चोरी करके रात को लगा रहा है। ये कुदरती नहीं है, आदत ही नहीं है। चोरी की क्रीम में वैसे भी इसको लगती है फार्मूले, मुझे पता है। ये देखो मिर्च, ये भी नॉर्मल से हो। हाँ। आप अपना टेस्ट कीजिए कि मिर्च कम है, जितनी आपको दिल चाहिए अपने हिसाब से ऐड करें। तो इसने जो जो चीजें ऐड की हैं अभी तक, वो फूड कलर, लाल मिर्च और रेड चिली फूड कलर। हाँ, और नमक वो भी इंग्लिश में बता देते, साल्ट। तो बहुत ही जल्द सिकंदर को हम ढाबा खोल के देंगे। चैनल का जो नाम है ना सिकंदर साजदा सद, प्रोपराइटर लिखेंगे ना सिकंदर अली तो नहीं सुने ना। अपने चैनल का नाम आप वही रखिएगा, रेस्टोरेंट का भी। अच्छा। हाँ, सिकंदर व्यूअर्स, इसके चैनल का नाम है सिकंदर साजदा सद। तो अपने रेस्टोरेंट जो खोलेगा ना, तब तक मैं जिंदा होंगी। ये तो तुझे गोला के पास जाना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा, पूछ के फिर वापसी आके हमें बताना पड़ेगा। तो ये बना रहा है करी, साथ में हमारी नोक जोंक जो आपको पसंद है वो भी चल रही है। अभी ये हम कर रहे हैं इमली के अंदर ऐड। इमली देखो, इमली का जो रस बनाया था हमने, ये इसमें ऐड कर दिया जी, ताकि थोड़ी खट्टी बन जाए। ठीक है। और ये सब्जियां भी आपने काटी? नहीं, ये इसका बनाएंगे ना, इसमें जो तड़का देने वाला सालन जो उसका बनाएंगे। अच्छा। हाँ, ये तो ये अलग-अलग इन्होंने रखे हैं यहाँ पे। इसमें ये देखो इतना थोड़ा सा ऑयल डाले। हाँ। अभी ये थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए। ये ऑटोमेटिक चूल्हे हैं क्या, विदाउट माचिस के जल रहे हैं? हाँ, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है ये। क्या है? ऑटोमेटिक। माशाल्लाह, हैदराबाद की गैस सही आ रही है। हाँ, ये थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए, फिर ये मसाला इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, पहले ये बनेगी ग्रेवी। हाँ, फिर इसकी ये कड़ी है ना। हाँ, जैसे वो दाल को तुम तड़का देती हो ना। हाँ। उसी तरह ये इसका तड़के वाला मसाला बनाएंगे जो फिर मैं ऐड करेंगे। ये प्याज थोड़ी हल्की सी ब्राउन करेंगे, ब्राउन हो जाए। पहले ये तड़के के लिए प्याज को ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, कड़ी खाने के फायदे होते हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ पेट भरा जाता है। मुर्गी खाने से कोई फायदा होता है? हाँ? कौन सा होता है? क्यों खाते हो मुर्गी? इंसान को पेट अपना भरना होता है। हाँ चल यार, प्याज करे को भी क्या हो गया यार, जो तड़का ही नहीं आ रहा। थोड़े हो जाओ ब्राउन जल्दी भाई। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे।
थोड़े टमाटर जल जाए। अब तक इसको थोड़ा देखे कहाँ पहुँचे, ये क्या है। ये भी तकरीबन तैयार होने वाली है, अभी पहले बहुत पतली थी, अभी इसका ऐसा ऐसा पानी वानी सूख रहा है, लस्सी की जो खुशबू थी वो ऐसा ऐसा कम हो रही है इसकी। ये हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये ना जल जाए। रेड चिल्ली, अभी हम इसके थोड़ी सी करेंगे हल्दी डालेंगे इसके अंदर, नमक नमक ये नमक दे रहा है। ये देखिए नाज़रीन व्यूअर्स, अभी जो है ना ये हमारा तड़का हो गया तैयार। इसके अंदर हमने एक अदद प्याज डाली है नॉर्मल, ना बड़ी ना छोटी, और एक अदद टमाटर, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लिमिटेड। ये तड़का हमारा हो गया तैयार, अभी इसको फाइनल करें तो इसके साथ करेंगे इसको मिक्स। जब ये गाढ़ी हो जाएगी कड़ी तो फिर इसको तड़का लगाएंगे। तो मुझे अपने ससुराल में बहुत मजा आता है, बैठ रही हूँ यहाँ पे। पुरसुकून जगह है। तो नाज़रीन ये हमारे तड़के में ऑयल जो हमने डाला था वही है, उसके अंदर ऑयल मिक्स नहीं किया है हमने। और अभी ये हम इसमें करते हैं ऐड, इस तड़के में क्या, प्याज टमाटर और हरी मिर्च। ठीक है, ये हमने कर ली इसके अंदर ऐड, ये हो गई ऐड। अब इसको थोड़ा ये मिक्स करें। और ये अभी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे ये हमारा हरा धनिया, हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसकी खूबसूरती के लिए। और काफी इसके अंदर लोग जो है ना वो लाल मिर्च भी डालते हैं, जो गोल वाली लौंगी मिर्च हम उसको बोलते हैं, लेकिन हम इतनी लाल मिर्च नहीं खाते इसीलिए लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी कढ़ी हो गई है तैयार, ये देखिए कढ़ी हमारी रेडी है। दिखाओ ना इधर ला के, कैमरा मैन पता नहीं कौन सा है मेरा, एक जिसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना होता है। अभी हम बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे पकोड़े। अभी आप क्या बनाएंगे? पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े। हाँ क्या कर रही थी, मैं नीचे सर करा, मेरी टेंडरी नजर आ रही है। अरे नहीं, टोपी लेके दो ना, एक टोपी पहन लू ना, या हेलमेट लेके आ मेरा। आपकी हेयर ट्रांसप्लांट हम करवाएंगे, है ना मजा आती हो। मगर मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। अच्छी बात है, ये इसको रख दो ऊपर, खामा का बाल लगवाओ, लड़कियां आशिक हो आपसे। अच्छा है, नगा लाइन दी कर खामा का। इसका ढकना देंगे अब? हाँ तो नहीं तो क्या, ढकना नहीं देंगे तो क्या ओपन रखेंगे क्या। अभी ये बना रहा है सिकंदर पकौड़े। अभी हम ये पकोड़े, प्याज क्या क्या डाल रहे हो? बेसन, प्याज है, बारीक कटी हुई आलू है। अच्छा। और धनिया, पुदीना, हरा लहसुन, ये वो सारा मिक्स करके इसके अंदर डाले जाते हैं। ये आप इसके पकोड़े बनाओ? जी जी बिल्कुल, पकोड़े बनेंगे। इसमें सोडा जाएगा थोड़ा? नहीं, हल्का सा डालेंगे थोड़ा। लाल मिर्च, नमक, ये रेड चिली हमने करते हैं इसके अंदर ऐड। जी हो गई ये रेड चिली।
ये हमारा हो गया नमक, हमने इसके अंदर करते हैं थोड़ी सोडा ऐड, हो गई। अभी इसके अंदर थोड़ा करें पानी ऐड। अभी आप पकोड़े बना रहे हो? हाँ, जाहिर सी बात है पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बना रहा हूँ, कुछ तेरा भेजा थोड़ा ही बना रहा हूँ मैं। सिकंदर व्यूअर्स देखें, सिकंदर बना रहा है पकोड़े कड़ी के लिए। तो व्यूअर्स, हमने ये पकोड़े का मसाला पूरा रेडी कर लिया है, अच्छी तरीके से मैश वैश कर ले करके इसको जो है ना हमने रेडी कर दिया है। अभी हम इसके बनाएंगे पकोड़े। ऑयल में, ऑयल है ना, ये दिखाओ ना ऑयल है ना, ये इतना ऑयल डाला है। ऑयल में पकोड़े जाएंगे, ऐसे बना रहे हैं। हाँ ना, ये ऐसे तो बनेंगे, तू क्या समझ रही है? आग इसकी लो रखनी है, नॉर्मल नॉर्मल। हाँ, कोई गोल गोल पकोड़े बनाता है, कोई ऐसे, आपकी मर्जी। गोल गोल पकोड़े, गोल गोल पकोड़े भी बनते हैं क्या? शेप गोल देते हैं। शेप गोल देते हैं, सही कह रही हो तुम। ये कढ़ी के पकोड़े हैं, आप जिस भी वे से बनाएंगे नो मैटर, नो इशू। ऑयल अभी कम गरम है, इतना नहीं है। फिर ये जब पकोड़े बन जाएंगे तो उसमें डालेंगे। दिखाऊंगा ना तुझे सब, तेरे सामने बनेगी ना सारी चीजें, देखना ना। अभी हम उनकी साइड पलटी करेंगे, ठीक है? और ये हमारे पकोड़े हो रहे हैं, देसी पकोड़े तैयार हमारे। लोग कहते हैं कि आपने अपने घर को गांव की तरह बनाया हुआ है, तो अच्छी बात है ना। हम लोगों ने खुद ही अपने घर को जो है ना गांव की तरह रखा है, कहीं गांव की याद ना आए। हाँ ना, फिर गांव की याद आ जाए फिर गांव जाना पड़ेगा। हाँ, गांव लेके जाओगे ना दादू मुझे? हाँ हाँ, हम दादू भी जाएंगे व्यूअर्स, वहाँ की खूबसूरती भी आपको दिखाएं। अभी आप निकाल रहे हैं? हाँ ना, अभी ये हाफ हमने इनको पकाया है, हाफ फुल नहीं पके हैं। अच्छा, ये कुछ देर के बाद जो है ना इनको हम दोबारा ये गर्म होंगे। अंदर से इनको हल्का पकाया है ना, अभी दोबारा ये पकेंगे ना, पकाना है ना इनको हमारे को। तो यार तू मुझे इतना पका नहीं, पकोड़े पका मुझे नहीं पका। अच्छा, फिर इनको फ्राई दोबारा से। हाँ, इसीलिए आपने बड़े बड़े पकोड़े बनाए। हाँ ना, बहुत गर्म हो रहे हैं। फिर से इनको वो कर रहा है। आती रेसिपीज मगर मुझे कड़ी बनाना नहीं आती, सिकंदर को आती है। तो एक कमेंट, एक लड़की ने किया था, मुझे बड़ा गुस्सा आया है। कहे का? कि तुमने अपने शोहर को नौकर बनाया हुआ है। तो क्या है, बड़ा मेरा शोहर है ना? हाँ, तुम्हारा थोड़ी है ना शोहर, में वो मेरा जो शोहर है कुकिंग में एक्सपर्ट है, जो चीजें मुझे नहीं बनानी आती तो उसको बनानी आती, इसमें क्या है? तो नाज़रीन, हम ये इसमें कड़ी के अंदर पकौड़े ऐड कर रहे हैं, ये देखिए जी। और कैसे बनती है कड़ी? हाँ, तेरा मैं तो पहले सही बना सकती थी मगर तुमने कहा कि मुँह काला करोगी कड़ी का। मुझे पता है तेरे मुंह में पानी आ रहा है, पता है मुझे। हाँ, ये देखिए नाजरीन, कड़ी हो गई, कड़ी हमारी हो गई, ये रेडी। हर चीज बताइएगा, बताइयो, खिलाइयो, पिलाइयो। ये असद खा रहा है पकोड़े, असद को पकोड़े पसंद है तो असद पकोड़े को खा ले। मैंने खा ले, ले 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 खा ले। क्या हुआ? तो दादू का खा रहा है पकोड़े, ले लूंगी। आजा, ये भी मेरे देवर का छोटा बेटा। आजा, ये ले पकोड़ा। आजा आजा, आगे ले ले बेटा, आगे इधर मिलेगा, इधर इधर आगे और आगे आजा, ये ले पकोड़े खा। दादू परसों लेके जा रहे हो वहाँ, मुझे बकरी देखनी है। अभी चल, इतने चल चल, रोटी रोटी बना, चल देर नहीं कर, रोटी भी बना दे। ये जो पहली प्याली है ये हमारी सासू माँ की तरफ जा रही है, क्योंकि वो हमारी जज होती है, वो टेस्ट करेगी अपने बेटे की बनाई हुई कड़ी। हमने अम्मी को
कड़ी दे दी, अब अम्मी कड़ी खाएगी फिर बताएगी सिकंदर को। तो अभी सिकंदर भी खाना खा रहा है। ये मेरे देवर ने हमारे लिए दावत की थी मुर्गी की भाजी की, तो उन्होंने ये भी दिया है हमें। और ये है कढ़ी। और दूसरा मेरा देवर गया है दादू, अब देखेंगे वो हमारी क्या दावत करेंगे। वो ला रहा है सरसों का साग। सरसों का साग? हाँ। तो उसकी बीवी खिलाएगी ना हमें? ये तो सलीम बनाऊंगा देसी घी में। ये जो आपने मेरा सलीम वाला सलीम देवर देखा, ये उसकी मेरी जो है जेठानी उसने बनाई है। और वो जो दूसरा देवर वो दादू गया है, तो उसकी बीवी हमें क्या खिलाएगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। टाटा।